हेलो, गुड इवनिंग प्रियांशु। ओके, सो इसमें क्वेश्चन क्या है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर, इस क्वेश्चन में डाउट था मेरे को। हाँ हाँ, एक सेकेंड। जैसे कि मतलब ये क्या दिया हो? इन द केमिस्ट्री लैब। ओके, एक एक्टोकेमिकल सेल बनी हुई है आपको, है ना? तो मैं देख चेक देखता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल आपको दिया है रिडक्शन का कॉपर के, है यस ना? प्लस का 0.34। कैलकुलेट द इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑन दी, है ना, ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इधर की ओर 3.6 में। ठीक है, ये सर, तो इसमें पता फाइंड कैसे करना है आपको। चलेगा राइट हैंड साइड पे, मतलब कौन सा है लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? सर, अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कैसे पता ये करोगे? जैसे E इज इक्वल ओके, टू प्लस 0.34 है, तो ये उस सॉल्यूशन में सर राइट हैंड साइड का पोटेंशियल ले रखा है, तो ये लेफ्ट हैंड का भी तो हो सकता है। एक्चुअली ये पता है कैसे पता चलेगा? यस सर। यहाँ पर CuSO4 की मोलारिटी को देख करके, तो यानी कि मतलब कॉन्सेंट्रेशन को आप देखोगे तो कितनी है। इधर देखो, 1 मोलर है, 1 मोलर पर डेसीमीटर क्यूब, यस सर। यानी कि 1 मोल है ना, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। और जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की ओर है वहां पर कितनी है कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन? 0.15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यस सर। मतलब रिलेटिवली अगर आप देखोगे तो सॉल्यूशन के अंदर, मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो राइट हैंड साइड में RCS के अंदर आपको जो है क्या है, ज्यादा है इलेक्ट्रो पोटेंशियल। यहाँ 1 है, यहाँ 0.15 मोलर है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, 0.15 मोलर है कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो मेनली यहाँ पर आप अब देखो यहाँ पर कैसे हो रहा होगा, इन दोनों को है ना, एक मतलब पोटेंशियल वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया दोनों कॉपर रॉड्स को, तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको देखना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो ईएमएफ आपको बना हुआ है 0.34, तो पोटेंशियल दिया RHS माइनस LHS कर दिया है। ठीक है, और RHS में यानी कि उन्होंने, है ना, मतलब यानी कि वो लिखा हुआ है। अच्छा, ईएमएफ दिया हुआ क्या? अच्छा, सर, ईएमएफ तो दे वो दिया रखा हुआ है जीरो सीधे। पॉइंट वन सिक्स वोल्ट मतलब जो वोल्टेज की वैल्यू 0.16 वोल्ट है, और यहाँ पर उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड का मांगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब बस देखना ये है ना कि रिडक्शन क्यों हो रहा होगा ना, इधर की ओर, इधर की ओर कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो C2+2 इलेक्ट्रॉन को मशो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑन दी ऑफ दी LHS इलेक्ट्रोड। कुछ आपको रीजन मिला इसमें, यानी क्यों करेंगे ऐसा, मतलब सर। आई थिंक आपको कुछ हो उसपे गया? राइट हैंड साइड पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है उसके ऊपर, मतलब कॉपर रॉड के ऊपर। हाँ, डिपॉजिट। हाँ हेलो हेलो। यस सर। हेलो, मतलब कॉपर का डिपोजिशन या यू कह, कौन देखो, कॉन्सेंट्रेशन मान लो कि RHS के अंदर आपको ज्यादा है, ठीक है, तो उसके कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा आपके, है ना, उसके ऊपर। कुछ वैलिड रीजन देखना पड़ेगा इसके लिए। मतलब देखो, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो कॉपर के आयन्स, यानी कि इधर की ओर आपके, यानी कि RHS के अंदर ज्यादा कॉपर के आयन आ रहे हैं, यानी CO2+ के आयन्स यहाँ पर, है ना, मतलब ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, और साथ में जो आपका सॉल्ट बेस बना हुआ है ना बीच के अंदर, ये ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, मतलब ये तो सिर्फ आयन के, मतलब उनको बैलेंस करने के लिए है, तो कंपेरेटिवली, है ना, रिडक्शन जो होगा ना आयन्स का आपका RHS, यानी कि जो राइट हैंड साइड वाला है ना, उसमें क्या होगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है कॉपर आयन्स की, तो उधर की ओर रिडक्शन आपका, यानी कि ज्यादा होना चाहिए कॉपर आयन्स का, CO2+ का। बाकी सर, कॉपर आयन का तो जो राइट हैंड साइड पे वैसे भी ज्यादा है ना, क्योंकि वो एक्वस स्टेट में है, तो फिर Cu2+ और SO4 2- में होगा। हाँ, नहीं वो तो है बिल्कुल, पर जैसे वही है ना, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब की कॉन्सेंट्रेशन है आपकी कॉपर सल्फेट की, तो इधर RHS की ओर में जाने की ज्यादा है, और LHS में क्या है आपके पास में, कम कॉपर के आयंस के, CO2+ के आयंस अवेलेबल रहेंगे, है यस सर। ना, तो कम कम आयंस अवेलेबल है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, मेनली जो आपका, जिससे जो रिडक्शन होगा ना जाके, तो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन किधर की ओर से आ रहा होगा आपका, राइट हैंड साइड की तरफ से आ रहा होगा। यस सर। और उन्होंने बोला कि जैसे जो ये, मतलब कि ये जो ये वोल्टेज है, वोल्टेज यानी कि जो ये, मतलब कि कॉपर रॉड को कनेक्ट किया हुआ है, तो इधर से कितना है, 0.16 आ रहा है, मतलब कि देखो रिडक्शन तो दोनों तरफ हो रहा होगा, जैसे ऐसा नहीं कि इधर क्यों नहीं हो रहा, यहाँ भी CO2+ का आयन है यहाँ, है ना, पर अगर आप देखो ना कंपेरेटिवली ज्यादा किसकी ओर है, RHS की ओर है,
तो अगर वोल्टेज पोटेंशियल आपको ये देखो, आपने ये देख लिया ना कि ज्यादा रिडक्शन किसकी ओर हो रहा है, आरएचएस की ओर हो रहा है, तो मतलब कि जो ये 0.16 वोल्ट की वैल्यू आ रही है ना, इन दोनों का डिफरेंस जो वोल्टेज के अंदर, वो कैसे आ रहा है कि भाई राइट हैंड साइड में ज्यादा रिडक्शन हो रहा है, तो आरएचएस में जितना का ये कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, माइनस कर दो एलएचएस में। एलएचएस में क्यों माइनस करोगे, क्योंकि भले ही वहां पे कम है आपका कॉपर, पर हो तो वहां भी, वहां पे सर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। नहीं ऑक्सीडेशन क्यों होगा, नहीं क्योंकि सर मतलब सर ये मतलब एनसीईआरटी में लिखा है ना कि वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड है, तो फिर वो मतलब कैटायंस फॉर्म करेंगे। अच्छा ठीक है, पता है क्या वो, ये जो आपको जो वी की वैल्यू है ना, ये वी की वैल्यू कोई बाहर से एक्सटर्नल नहीं है, मतलब कॉपर के यहां देखो ये सॉल्ट भी जाकर कनेक्टेड है, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। ये सॉल्ट भी हो गया जाकर के जो आयंस की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, मतलब कैटायन और एनायन के बैलेंस को मेंटेन करेगा। यस सर। और जो वोल्टेज भी है ना, ये इस कॉपर में देखो कुछ ना कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा इसके रिडक्शन की वजह से, मतलब है ना Cu2+ से जब Cu2+ बनेगा तब, सॉरी Cu से मतलब कॉपर 2+ से कॉपर बनेगा ना जब आपका, तो पोटेंशियल जनरेट होगा। तो वही लिखा है इस कॉपर रॉड की वजह से जो है 0.16 का वोल्टेज आपको जो है ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो ये 0.16 वोल्ट ना एक्सटर्नल नहीं है, ये इन कॉपर आयंस की वजह से जो यहाँ पर इनके बीच में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, मतलब समझो ये जो 0.16 की वैल्यू है ना, ये अलग से अपने बाहर से कोई मतलब ऐड नहीं किया है, ये इन दोनों का यानी कि एक तरीके से क्या कह लो कि सब्ट्रैक्शन कह लो, सब्ट्रैक्शन ही कह लो, यानी कि डिफरेंस जो है ना yes. पोटेंशियल के बीच में वो आ रहा है कि रॉड के बीच में रिडक्शन तो दोनों तरफ चल ही रहा हो रहा है करके। अगर CuSO4 का यहाँ पर प्रेजेंट है ना CuSO4 LHS के अंदर, तो वो भी टूटेगा आपका दोनों आयंस के अंदर बदलेगा। बस वही है कि RHS की ओर ज्यादा Cu2+ आयन होगा और RHS में क्या होगा कंपैरेटिवली जो है कम Cu2+ आयन होगा। अच्छा इसलिए सर ज्यादा होगा तो इसलिए रिडक्शन ज्यादा होगा क्योंकि वो डिपॉजिट करेंगे ज्यादा। हाँ बिल्कुल, यानी कि अब देखो रिडक्शन ज्यादा होगा तो यहाँ पर यानी कॉपर रॉड के ऊपर वो जो Cu बनेगा वो आपका यानी डिपॉजिशन होता रहेगा उसका। ठीक है ठीक है। और वही बोला गया कि इसका जो जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस बना है वो कितना है जनरेट होगा कि 0.16 वोल्ट का आया हुआ है। कब, जब इनका रिडक्शन हो रहा होगा, और वो होता ही रहेगा कब तक, जब तक कि यानी कि दोनों ओर पोटेंशियल आपको बराबर नहीं होता, यानी ये वाली जीरो ना हो जाए। जब दोनों प्रैक्टिकल न्यूट्रलिटी पे आ जाएंगे तो कॉपर का रिडक्शन होना बंद हो जाएगा और सब एकदम होता है ना स्टेबल हो जाएगा जाके, तो कोई है ना रिडक्शन वगैरह नहीं होना है, कोई रिडक्शन ही नहीं होगी इसमें। ओके तो यहाँ पर कॉपर ज्यादा रिडक्शन हो रहा है तो RHS का यानी कि जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है माइनस LHS पे जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 0.16 के बराबर। वो हम कहाँ ऑब्जर्व करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर में ऑब्जर्व करेंगे जो यहाँ की इन दोनों कॉपर रॉड को कनेक्ट कर रहा है। ओके सर। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला है कि अच्छा यानी कि जो वहाँ पे 0.34 इज गिवन, ठीक है अब तो फिर वही है, अब तो बस खाली वैल्यू पुट करना बाकी है सर, वो वैल्यू फिर तो आप यहाँ पुट कर लोगे इसको, मतलब ये उधर जाएगा 0.16 आपका माइनस हो जाएगा इसमें से 0.34 से, यानी कि 0.18 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पे आ रहा होगा। तो आप इसमें ऐसे हो रहा होगा ना कि ये आपका मान लो RHS है इधर की ओर और ये आपका है LHS, तो इधर की ओर से जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा रिडक्शन की वजह से वो कितना होगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इलेक्ट्रॉन है ना मतलब वोल्टेज का इलेक्ट्रॉन अभी ना लगाते हैं, और इधर की ओर से कितना जनरेट होगा 0.18 जनरेट होगा 0.18, और उनका जो डिफरेंस होगा वो आपको इस गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग ऑब्जर्व होगी। भाई राइट हैंड साइड माइनस LHS करके कितना आएगा ये वोल्टेज, ये आपको ऑब्जर्व होगा 0.16 वोल्ट का। ओके सर एक और क्वेश्चन सर, इसमें बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी आर डाइल्यूटेड इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी इंक्रीजेस 1.5 टाइम व्हाइल ए इंक्रीजेस 25 टाइम्स, तो व्हिच ऑफ टू इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा मतलब यानी कि आपने मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई है कब, सर दो इलेक्ट्रोलाइट है ए और बी उसको डाइल्यूट कर दिया है, और अच्छा ए और बी को डाइल्यूट कर दिया गया सर, और मोलर कंडक्टिविटी जो है बी का वो 1.5 टाइम्स बढ़ा है और ए का जो है वो 25 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। 25 टाइम्स इंक्रीज हुआ है सर, तो व्हिच ऑफ द टू इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा अच्छा मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या था सर, सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट, अच्छा सर वो वाला, हाँ वो तो सर 1000 इनटू के डिवाइडेड बाय सी,
डिवाइड बाई सी, सी यानी कॉन्सेंट्रेशन है, हम तो पोलैरिटी भी मान सकते हैं ना एक बार, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इनकी क्या बढ़ी है, ये 1.5 टाइम्स क्या हो गया इनका, ये मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई है। यस सर, बढ़ गई है 1.5 टाइम्स। ओके, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई है इनकी 1.5 टाइम्स, और इसकी मतलब कॉन्सेंट्रेशन को आपने कम किया है तो मोलर कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा बढ़ रही है ना, किसकी ज्यादा बढ़ रही है। yes. तो उससे ही बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट कौन होना चाहिए, कौन होना चाहिए ना, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, आयंस को ज्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए। yes, sir. और तो मोलर कंडक्टिविटी क्यों, मतलब मेरे को लग रहा है एक का नहीं होना चाहिए आपको, लगता है कि 25-10 टाइम्स, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी मान लो जी वॉल्यूम पहले भी हो रहा होगा ना, यहाँ पे मतलब मोल अपॉन वॉल्यूम करोगे ना मोलैरिटी निकालें के लिए, पहले मान लो वॉल्यूम वी हो, ये वॉल्यूम पर आ जाएगा, अब वॉल्यूम टू वी हो गया मान लो, ठीक है। एक बार जब वॉल्यूम टू वी होता है तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन डेढ़ गुना बढ़ती है, एक ही कॉन्सेंट्रेशन 25 टाइम्स बढ़ती है। तो मोलर कंडक्टिविटी एक ही अगर 25 टाइम्स बढ़ रही है तो ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए आपका। सर बी है इसमें, तो सर इसमें लिखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड सो देयर इज स्लो इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। अच्छा, ये रीजन तो रीजन दे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन ज्यादा है। हाँ, ये बात तो सही है वैसे, मानना पड़ेगा एक्चुअली, सही कह रहे हो आप, यानी कि जो रीजन दिया है एकदम सही है कि पता है क्या, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो पहले ही डिसोसिएट हो चुका होगा जितना उसको होना होगा, इंक्रीमेंट यानी कि ज्यादा नहीं होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये पॉइंट तो मैंने सोचा ही एक्चुअली, पता है क्या, अब देखो, हाँ ये बात तो सही है करो आप, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो स्टार्टिंग में ही पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो चुका होगा, तो डाइल्यूशन करो या ना करो कोई इंपैक्ट उस पर यानी कि कंपेटिवली कम आएगा। और मान लो जो वीक हुआ वो पहले ही डिसोसिएट बहुत कम हुआ होगा, तो डाइल्यूशन करने पर क्या है, उसके पास ज्यादा चांसेज हैं कि वो जो है मतलब प्रोग्रेस कर सके, यानी कि अपनी कंडक्टिविटी को, मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ा सके।